Good morning guys, what's up? Welcome back to the channel, welcome to a new vlog. I know, thoda sa gap ho gaya meri vlogging mein, but I was busy with things jin pe main zyada focus karna chahti thi. Actually, aap logo ko pata hai ki mujhe endometriosis tha aur ab mujhe adenomyosis hai, jo ki dono similar cheeze hain. But adenomyosis tak mujhe pata tha, but abhi recently मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अभी इंग्लिश मेडिसिन छोड़ के आई विल स्टार्ट माई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. एंड आई रिमेंबर आप लोगों में से बहुत लोग मुझे इस चीज़ की सलाह देते थे कि यू नो यू शुड स्टार्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. बट कभी या तो मतलब शुरू सा ही नहीं हो पा रहा था, बस वो होता है ना कि नहीं हो पा रहा है शुरू, वो नहीं हो पा रहा था, या फिर अगर कभी मन बनता था कि हाँ करना है तो फिर ऐसे लगता था कि कोई ट्राइड एंड टेस्टेड होम्योपैथिक डॉक्टर है नहीं. तो फाइनली मेरा जो फ्रेंड है मनीष, उसकी मॉम के थ्रू मुझे ये होम्योपैथिक डॉक्टर मिली और उनसे फिर हम लोग मिले. उन्होंने कुछ टेस्ट्स वगैरह करने को बोले थे, तो वो मेरे टेस्ट चल रहे थे लास्ट कुछ दिनों में. मतलब ऐसा नहीं था कोई रोज़ टेस्ट हो रहे थे, बट क्या होता ना जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे यू नो टेस्ट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो मैं कहते हैं ना ऐसे घबराहट सी में रहती हूँ बहुत, क्योंकि मैं इस जर्नी को बहुत सालों से जीती आई हूँ जहाँ पे यू नो सर्जरी हुई एंडोमेट्रियोसिस की, बहुत पेन में रही काफ़ी चीज़ें और आज तक भी मैं पेन में ही हूँ. तो इसलिए लास्ट कुछ दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किया, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट. बट हाँ, एक चीज़ रॉन्ग हुई वो ये थी कि जब वो टेस्ट्स हुए और उनकी रिपोर्ट्स आई, तो उन रिपोर्ट्स में ये पता चला कि अब मुझे एडिनोमायोसिस तो है ही, वो तो है ही था. अब मुझे फाइब्रॉइड्स भी हो गए हैं यूट्रस में, सो वो भी थोड़ा सा मेरे लिए मेंटली काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गया था. हाँ, तो आई वॉज जस्ट फोकसिंग देयर, आई थॉट कि कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिनों में जल्दी से व्लॉग करूँगी. सो टुडे वी आर व्लॉगिंग. आज थोड़ा सा दिन प्लान किया है क्योंकि माइंड थोड़ा सा क्लियर है. आज डॉक्टर से मिलके मेरी एक महीने की दवाई शुरू हो गई है अब होम्योपैथिक. एक ये रही, सो दिस इज़ द दवाई दैट आई हैव टू टेक फॉर अनदर फॉर लाइक वन मंथ, दिन में तीन बार. तो अभी माइंड थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, ऐसे लग रहा है ओके वन मंथ के लिए ना और कुछ नहीं है, बस अब मुझे दवाई खानी है. सो आज मैंने सोचा आज बाहर निकलती हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने का मन था, बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की थी. एंड या आई थिंक दैट विल मेक मी फील गुड. और तो हाँ, आज हम जाएंगे शॉपिंग करेंगे तैयार व्यार होके. ठीक है, सो ठीक है, अब मैं चेंज कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ वॉक के लिए. ब्रेकफास्ट के लिए मैं सोच रही हूँ स्प्राउट तैयार कर लेती हूँ और नारियल पानी तो मेरा होता ही है, वो पी लेती हूँ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो हेलो, हाय गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप. काफी दिनों से नहीं लगाया है, मेकअप लगाया है, बट लास्ट कुछ दिनों में मतलब एक आधी बार मैंने मेकअप लगाया होगा, लास्ट काफी दिनों में एक या दो बार मैंने मेकअप लगाया होगा. आज हम मेकअप भी करेंगे. ओके जी, नाउ लेट्स गेट रेडी, मेकअप शुरू करते हैं. लेकिन मेकअप करने से पहले वी हैव टू डू द स्किन केयर, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये. दिस इज कश्मीरी सैफरन मॉइस्चराइजिंग क्रीम फ्रॉम द ब्रांड आयुगा, विच इज अ पोटेंट स्किन केयर ब्रांड, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया उन लोगों के लिए जिनकी स्किन अब सेंसिटिव हो चुकी है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ एक्टिव बेस्ड स्किन केयर, और जिनको चाहिए जेंटल येट इफेक्टिव स्किन केयर ऑल्टरनेटिव. दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज 100% नेचुरल एंड टॉक्सिन फ्री. इट इज मेड विद A++ मोगरा ग्रेड सैफरन, जो कि डायरेक्टली सोर्स किया जाता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ पैम्पोर, विच इज अ टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, फेमस फॉर इट्स saffron fields. And this GI tagged A++ Mogra grade saffron will give you the assurance that it is the best quality and will give you the results of your mother and grandmother have always spoken about. So I've been using this for a few weeks now and the results have been great. They've also done clinical testing which showed that 94% of people have seen visibly brighter skin in just 2 weeks. So do try it out. You'll get 10% discount if you use my code. कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दिया है, वो यूज कर लेना, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. ओके ठीक है, तो चलो अभी हम मेकअप शुरू करते हैं. आई नो फाउंडेशन बहुत रॉन्ग है, एक्चुअली ऑफिस में पड़े फाउंडेशन और ये मैं वो लगा रही हूँ जो एक्चुअली अभी मेरे कलर से मैच नहीं करा, बट आई जस्ट ट्राई समथिंग, थोड़ा सा वर्क अराउंड करने की कोशिश करूंगी. Thank you.
ओके तो पहले मैं जा रही हूँ ऑफिस, मेरे को ऑफिस में कुछ काम है वो करके फिर मैं आऊँगी वापस, कार उठाऊँगी और फिर हम लोग जाएंगे, पहले ब्लो ड्राई करवाएंगे। ब्लो ड्राई करवाऊँ, ज़रूरत तो है नहीं, मुझे लग रहा करवा लेती हूँ, मैंने सोचा था करवाना है। ओके जी, ऑफिस का छोटा सा काम था वो मैंने कर लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं। मैं अभी भी ब्लो ड्राई के लिए बहुत कंफ्यूज हूँ, करवाना है या नहीं करवाना है। मैं सोच रही छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, ठीक तो है बाल, रहने दूँ क्या, आई नो, रहने देती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, प्लान्स बनाती हूँ और फिर आलस कर जाती हूँ, बट ठीक है, ब्लो ड्राई आई डोंट थिंक ज़रूरत है, वील जस्ट लेट देम बी देमसेल्व्स। ठीक है, सीधा मॉल चलते हैं, अगर मेरा मन हुआ तो मैं मॉल के अंदर ही ब्लो ड्राई करा लूँगी एक्चुअली, हाँ, अदरवाइज वील जस्ट शॉप। मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। पहले तो स्टार्टिंग मैंने की थी H&M से, वहां पे तो जाके मेरा मतलब दिल टूट गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड आई थिंक H&M ने यार मतलब बहुत ही ज्यादा अपनी जो क्वालिटी है और जो डिज़ाइंस हैं उसमें आई थिंक बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गए हैं वो, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आती हैं उनका मटेरियल ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये एक आधे मतलब वॉश में ना ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। सो आई Nowadays don't waste my money on H&M because नहीं समझ में आता है कुछ भी मुझे। यूजली क्या होता है ना, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मेरा सबसे पहले दिमाग सिर्फ H&M और ज़ारा पे जाता है। सो आज जब H&M पे चीज़ें नहीं मिली तो मुझे लगा कि चले यार दो चार यू नो वेरामोडा ओनली और ये सब मार्क्स एंड स्पेंसर ये सब ट्राई करती हूँ, तो और वही हुआ, अच्छी चीज़ें मिली मुझे, चार पाँच चीज़ें लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ। क्या है ना, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ बिकॉज अदरवाइज रहते रहते रह गया तो रह गया। अब अगर मैं बोलूँ कि कल दिखाऊंगी आपको, कल पता नहीं क्या माहौल होगा, कैसा मूड होगा, तो मैंने कहा अभी दिखा देते हैं। तो ज़ारा से सबसे पहले मैं लेके आई हूँ एक प्लेन ब्लैक, ये गंजीज़ हैं पर इनका मटेरियल काफ़ी डिफरेंट है, लाइक यूजुअली जो हम ब्लैक गंजीज़ लेते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ ये गंजीज़। तो एक मैंने ले ली ये कितने की है, कोई ऑफ नहीं था इस पर किसी पे भी चीज़ पे एक्चुअली, ये है 1900 रुपए की, 1890। एक ये लेके आई एंड देन एक मैं लेके आई ये टॉप, आगे ऐसे फ्रिल्स लगी हुई है, वाइट कलर का टॉप है और ब्लैक कलर की ऐसे पाइपिंग लगी हुई है हल्की सी, पहन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही सुंदर लगा, पीछे से बिल्कुल प्लेन है। और ये मुझे कितने का मिला, ये मुझे मिला 2590 का। उसके बाद मैं लेके एक बहुत सुंदर सा जंप सूट, यू गाइज नो आई लव जंप सूट्स, आई लव टू वेयर जंप सूट्स, एक तो मुझ पर अच्छे लगते हैं और ऊपर से क्या होता है ना, जंप सूट क्या है अपने आप में एक फुल आउटफिट होती है, तो वो ध्यान नहीं देना पड़ता कि इससे साथ कौन से कलर की जीन्स जाएगी या फिर कौन से फिट की जीन्स जाएगी। दूसरा ये भी होता है कि डेनिम्स मुझे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती हैं, मैं भागती हूँ, आई रन अवे फ्रॉम डेनिम्स। तो एनी वे अनदर जंप सूट, आई हैव अ लॉट ऑफ जंप सूट्स, लोग मुझे एक्चुअली डांटते हैं मेरे दोस्त लोग कि तू जंप सूट ही पहनती रहती है, बट देन आई लाइक इट। सो दिस इज द जंप सूट, ये वाला बहुत सुंदर सैटिन का ये जंप सूट है, बहुत ज़्यादा वाइड लेग नहीं है इसकी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। मेरे पास यूजुअली जो अभी हैं जंप सूट्स वो काफ़ी वाइड लेग से हैं,
बहुत ही सुंदर कपड़ा है, पहन के बहुत अच्छा लगा मुझ पर ये. वेरी वेरी हैप्पी विथ दिस परचेज. ये महंगा है बट अच्छा है. ये कितने का है? ये है 5000 का, 4990. उसके बाद मैं अजोटे गई. हाँ, अजोट है या अजोटे है, आई डोंट नो. ये है ईशा अंबानी का, ठीक है. तो पहली बार तो मैं पहली बार गई अजोटे. एंट्रेंस तो इतनी सुंदर थी, मतलब ऐसे आंखें खुल रही थी. बहुत बढ़िया लग रहा था, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे से लुई विटों और ये सब ऊँची ऊँची के शोरूम नहीं होते, एंट्रेंस जिनकी बहुत ही कमाल होती है, बहुत ही ग्रैंड होती है, तो इसकी भी एंट्रेंस बहुत ग्रैंड थी. और अंदर चीज़ें जो थी वो सरप्राइजिंगली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. तो उनकी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं थी, फालतू की रेंज नहीं थी कि मतलब हर चीज़ 5-5, 6-6 हज़ार की ही मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ से मैंने दो चीज़ें ली. एक तो ये, वैसे मैंने ये क्यों लिया है पता नहीं, ये थोड़ा वुलन सा है पर मुझे बहुत क्यूट लगा और मुझ पर पहने में भी ठीक लगा, तो मैंने कहा एक तो मैं ये ले ही लेती हूँ. ये मिला है 1799 का, विच इज़ ग्रेट. अब यही चीज़ आप ज़ारा वारा पे कहीं पे मिल रही होती तो आपको पता ही है 3-4 हज़ार से कम की ना आती. तो एक ये हो गया, निटेड टॉप है ये. ये रहा, एक और चीज़ लेके आई मैं वहाँ से. एक ये लॉन्ग ड्रेस है, थोड़ा टाई एंड डाई वाला इफेक्ट है इसका. तो ये वाली है. तो यहाँ से ये ड्रेस पहनी हुई बहुत अच्छी लगी, पर ये भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 1799 की है. तो मुझे रेंज वगैरह ये सब कुछ, वैरायटी जो अंदर ब्रांड्स थे वो अच्छे लगे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सो अगर आप ये अजोटे पे नहीं गए हो तो एक्चुअली यू शुड कंसिडर गोइंग. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और वैरायटी भी डेफिनेटली अच्छी है. उसके बाद बढ़ते हैं ओनली पे. सो ओनली से मैंने एक ही चीज़ ली. एक्चुअली मुझे चीज़ें तो 4 पसंद आ रही थी, बट ओनली पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वो लोग GST बिलिंग नहीं कर रहे थे मेरी. तो GST बिलिंग का अगर करते हैं तो मैं यूजुअली नहीं, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि हर जगह पे GST बिलिंग हो, बिकॉज टैक्स जो है वो मैं वापस क्लेम कर सकती हूँ. तो ओनली पे क्या हो रहा था कि वो GST इनवॉइस नहीं मुझे तैयार करके देते, बोल रहे थे नॉर्मल बिलिंग होगी. तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मेरा नुकसान है. और मैं ज़्यादा चीज़ें भी ले रही थी वहाँ से, आई थिंक 4 से 5 चीज़ें ली थी. तो फिर जब उन्होंने बोला GST बिलिंग नहीं होगी, तो आई वाज लाइक कि फिर मुझे सारी चीज़ें रहने दो, जस्ट गिव मी वन थिंग, जो कि है ये, जो मुझे बेस्ट लगी थी. ये एक सैटन सिल्क की शर्ट है, बड़ा अच्छा लगा मुझे इसका जो डिज़ाइन वगैरह है, काफ़ी कूल लगा मुझे और मुझे पहनी हुई भी अच्छी लगी. और उन्होंने जो मैनिक्विन होती है उस पर जो स्टाइल किया हुआ था इस शर्ट को, वो अंदर इन्होंने ना ऑरेंज कलर का ऐसे इनर पहनाया हुआ था और खोल के पहनाई हुई थी शर्ट, तो वो भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. बट वो भी लेना था मेरे को, अंदर का इनर भी लेने का सोच रही थी मैं, बट वो साइज़ मेरा नहीं था उनके पास. तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अकेली शर्ट दे दो. तो फिर वो GST बिलिंग नहीं हुई, तो इसके लिए मैं ये बेस्ट मुझे वहाँ से शर्ट लग रही थी उन चीज़ों में, तो मैंने कहा चलो अकेली मुझे फिर यही दे दो. ये है 2800 रुपीज़ की, ठीक है. ये मैं लेके आई ओनली से. उसके बाद एक लास्ट चीज़ मैं लेके आई मार्क्स एंड स्पेंसर से. मैं नाइटवेयर, मेरे को चाहिए तो नहीं था नाइटवेयर, ना ही मैं लेने के लिए गई थी, बट ये मैं गई थी अंदर घुसी तो मुझे कि अच्छी लग गई है नाइटवेयर, एक ये नाइट गाउन नाइटी. इसका प्रिंट जिराफ्स बने हुए हैं, हाँ इस पे जिराफ बने हुए हैं और कोकोनट ट्रीज बने हुए हैं, बहुत सुंदर मुझे प्रिंट लगा. तो एक मैं लेके आई ये रहा, ठीक है. ये लॉन्ग है, टनो, ठीक है. और आगे से तो नॉर्मल है और पीछे से ऐसे इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो क्रिस क्रॉस है. ये मिला है मुझे 3000 का मिला था आई थिंक. हाँ ये है 3000 का, बस दिस इज़ इट. और जो मैंने आपको हाँ आयुगा की वो जो क्रीम दिखाई थी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और 10% डिस्काउंट के लिए जो मेरा कूपन कोड है वो भी मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना. और अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर योर सेल्फ, देन गो अहेड एंड बाय इट, इट्स अ रियली रियली गुड क्रीम, ठीक है. तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही. आई होप यू गाइज एंजॉयड. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज.